जैन बच्चों, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एसियरमा से फ्रॉम चैप्टर सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन इज फ्रॉम कैविटी। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर रेडियस आर वन आर टू। तो एक्चुअली ऐसा है कि इसको वैसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक ये डिस्क है पूरी, इसका रेडियस आर टू है और इसके अंदर से आपने ये अंदर वाले डिस्क काट के बाहर निकाल दी, तो खाली इतनी बची, ये वाली एम्प्टी है, ये हॉलो है। तो आपको इस पूरी सिस्टम का सेंटर मास निकालना है, ठीक है। सो इसमें वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीज हैविंग कैविटी का सेंटर मास कैसे निकालते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला कि जो भी वाई सी एम इक्वल टू एम वन वाई वन माइनस एम टू वाई टू अपॉन एम वन माइनस एम टू। यहां पे जो ये टर्म्स हैं दोनों, ये होता है रिमूव्ड वाले का, है ना। तो मैं इस पूरे, जब ये पूरा था ये आर टू रेडियस का, इसका मास मैं मान लेता हूं एम वन, ठीक है। और जो हमने रिमूव किया काट के छोटा वाला आर टू, खाली जो किया आर वन यहां तक का, इसको मान लेता हूं मैं आर वन और इसका मास मान लेता हूं मैं कुछ एम टू, ठीक। सेंटर मास जो होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का, वो होता है 4r/3π फ्रॉम सेंटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, आपको याद होना चाहिए। जो इसका सेंटर मास है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 4r2/3π, इसका सेंटर मास है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 4r1/3π। दोनों इंडिविजुअल निकाल लिए, एक पूरी बॉडी और एक जो हमने काट के बाहर निकाल लिया, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मास रिलेशन निकाल लेते हैं। भाई जिससे हमने काट के निकाला है वो तो सेम मटेरियल का ही होगा, तो मतलब डेंसिटी दोनों की सेम होगी। तो जो मास एम वन का है, एरिया उसका है पाई आर टू स्क्वायर बाय टू, बिकॉज आधी आधा एरिया आधा सर्कल है वो, इक्वल टू एम टू अपॉन पाई आर वन स्क्वायर बाय टू, है ना। एम टू निकल के आएगा एम वन आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर, ये मास निकल के आ जाएगा दूसरी बॉडी का जो हमने रिमूव करी है। अच्छा, अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां पे जो एम वन होता है वो तो हमारे पास एम वन ही है, माइनस वाई वन होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास इसका जो है, इस वाले का, वो हमने निकाल लिया कि भाई वो यहां पे होता है 4r2/3π पे। तो दिस इज एक्चुअली, हमने ये मान रखा ओरिजिन। तो वाई वन इज कि इस एम वन का सेंटर मास कहाँ पे है, तो ये वो यहां पे है, तो दिस डिस्टेंस इज 4r2/3π। माइनस एम टू को तो हमने निकाल लिया कि ये होगा एम वन आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर, दस वन ये रहा। साथ में इसका सेंटर मास ये यहाँ पे होगा, वहीं पे 4r1/3π पे, तो 4r1/3π अपॉन एम माइनस एम वन, एम वन एम वन माइनस एम टू ये रहा। तो यहां से अगर देखेंगे तो एम वन आ जाएगा कॉमन और कट जाएगा ऊपर नीचे से, और ऊपर से कॉमन आएगा 4/3π, बचेगा ऊपर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन क्यूब बाय आर टू स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। इसको फर्दर हम देखते हैं आगे। सो दिस इज इक्वल टू 4/3π एंड दिस इज आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब अपॉन आर टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। नाउ इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो आर टू स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 4/3π। अब यहां पर आ सकते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। तो ये इक्वल टू होता है ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन, ये लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इससे टर्म कट गई, निकल के आया 4/3π आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग सेमी सर्कुलर डिस्क।
तो इस तरह के निकाल सकते हैं जहां भी कुछ कैविटी क्रिएट हो रही है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस। ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए आपको। एम वन क्या होता है? एम वन होता है मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी, वाई वन सेंटर ऑफ मास, ऐसी एम टू मास ऑफ रिमूव बॉडी, वाई टू इज सेंटर ऑफ मास। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इस तरह की और वीडियोज के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।